लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि हर बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और फिर पिल ले लेते हैं हर बार। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम में ही इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि इसे जब इमरजेंसी हो तभी ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर कॉन्डोम फट जाए या फिर आपने और आपके पार्टनर ने कॉन्डोम यूज़ नहीं किया हो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव आपने और आपके पार्टनर ने यूज़ नहीं किया हो तब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने में आखिर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। बात यह है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक हार्मोनल दवाई है। हर हार्मोनल दवाई की तरह इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे पीरियड्स की डेट बदल सकती है, फ्लो कम ज्यादा हो सकता है। इस पिल्स को लेने के बाद अगले पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी पिल्स के कुछ इमीडिएट साइड इफेक्ट हैं, जैसे पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना या उल्टी जैसा फील होना या उल्टी हो जाना, छाती में दर्द होना, थकान होना, चक्कर आना, ये सब भी हो सकता है। बाप रे। और हाँ, इमरजेंसी पिल्स लेने के बाद आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो या कोई भी डाउट हो तो अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाएं बिना हिचकिचाए। इससे तो अच्छा है कि सोच समझकर अपनी लेडी डॉक्टर से पूछ करके ही इस्तेमाल करें। और मैं तो कहती हूँ जितना हो सके कॉन्डोम ही यूज करें और सेफ रहे। एक भरोसेमंद लेडी डॉक्टर से बात करने के लिए या जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। भरोसेमंद डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हेल्पलाइन के लिए यहाँ क्लिक करें। बाकी खुल्लम खुल्ला वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें छाजा चैनल को।